हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वनप्लस नॉर्ड स्मार्टफोन के 11.1.5.5 अपडेट के बारे में। इसका मैं फुल अपडेट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इसके शॉर्ट अपडेट आपको बताया था, जो कि आपको चैन लॉक के साथ में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका पूरा रिव्यू, कि इसमें आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को जाती हैं, गीक बेंच मार्क क्या देखने को जाता है, एओडी पर बैटरी लाइफ कितनी देखने को जाती है, और क्या कुछ चीज़ें फिक्स हुई हैं, साथ में क्या कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं। इन सभी के बारे में आपसे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पिछले में अगस्त मंथ का देखने को जाता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी कमाल की बात है। साथ में हर बार की तरह कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को जाती है। और एओडी के अंदर आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी फीचर्स अवेलेबल हो गया है। साथ में आप देखेंगे तो एओडी में आपको बिटमोजी का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है, इसका आप सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ क्या कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर फिक्स नहीं हुई है, उनके बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करूँ। यहाँ पर 6 महीने लगभग हो गए हैं, कैमरा को लेकर के कोई भी इम्प्रूवमेंट वाला अपडेट नहीं दिया गया है। इसमें कैमरा क्वालिटी पहले से बेटर करनी चाहिए थी इन्हें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वन प्लस आगे आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करें, क्योंकि कैमरा क्वालिटी बेटर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वन प्लस नॉट को। अगर आप लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फ्लैश के साथ में, तो यहाँ पर डिवाइस हीट करता है, साथ में लंबे समय के बाद कैमरा काम करना बंद कर देता है, डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। इस कारण से ये इशू को भी वन प्लस को फिक्स करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ब्रेव चार्जिंग का जो नया लोगो आया है, आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का, ये अच्छा क्वालिटी वाला नहीं लगता है। इसमें कुछ बग है, यहाँ पर परसेंटेज थोड़ी सी दूरी पर शो कर रहा है, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वाला इन्हें देना चाहिए, जो कि यहाँ पर फिलहाल में एक बग है, आने वाले समय में अपडेट हो सकता है। इसी के साथ जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन अगर आप वन प्लस का यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्रैश हो रहा है, अभी भी वो वर्क नहीं कर रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि वन प्लस का कोई भी एप्लीकेशन, वन प्लस डायलर, वन प्लस कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है, मैसेज एप्लीकेशन है, वो आप सही से वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गूगल के जो डायलर हैं उनको यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है अपडेट के साथ में, तो वो यहाँ पर वर्क करेंगे। ये एप्लीकेशन आपके थर्ड पार्टी अब काम करने वाले नहीं है सही से, परंतु वन प्लस डायलर फिलहाल में अभी भी सही से काम कर रहा है। साथ में आप देखेंगे गेम्स एप्लीकेशन के अंदर जो गेमिंग टूल है उसमें मॉनिटर डेटा नाम का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर FPS, GPU, CPU तीनों ही मॉनिटर करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर काउंट होते हैं, परंतु FPS 0 रहता है, वो फिलहाल में एक बग है, आने वाले अपडेट में हो सकता है मुझे कि फिक्स हो, परंतु अभी भी वो एक बग के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, शायद इसी कारण से उसको चैन लॉक में मेंशन नहीं किया गया। साथ में ब्लूटूथ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली इनेबल हो रहा है, वो अपने आप ही अगर वो बंद कर देते हैं तब भी, तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ, आपका जो ब्लूटूथ का इशू है उसके लिए आप रीसेट नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस कर दीजिए, आप कुछ इस तरीके से इस ऑप्शंस के अंदर जा करके, तो आपका ये इशू है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इसके सॉल्व होने की, क्योंकि आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन इनेबल होगा जिसके कारण से ये ऐसा हो रहा है, वरना यहाँ पर ये इनेबल नहीं होता है। अब मैं आपसे बात करूँ क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व हुई हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन डिले का जो इशू था वो यहाँ पर लगता है लगभग सॉल्व हो गया है, परंतु जो यहाँ पर बबल का फीचर्स है वो अभी भी अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। अगर आप अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे होते तो बबल नहीं आता है नोटिफिकेशन के दौरान, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो, या फिर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तब भी। इसी के साथ चार्जिंग स्पीड में मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, चार्जिंग स्पीड पहले से सही देखने को मिल रही है, बिल्कुल ही 30 मिनट में आपको 70% चार्ज होती हुई देखने को मिल जाती है, जैसा कि वनप्लस ने प्रॉमिस किया था। फोन में आपको किसी भी तरीके का जिलेटर या फिर लैग जैसा इशू भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं बात करूं गीक बेंचमार्क स्कोर के बारे में, जो कि आपको 588 सिंगल कोर पर और मल्टी कोर पर देखने को मिल जाता है 1750, जो कि लगभग वन प्लस नॉर्ड के निकल कर आता है। अब मैं बात करूं एओडी बैटरी लाइफ के बारे में, तो मैंने इसे कंपेयर किया वन प्लस 9 की जो एओडी बिटमोजी फीचर्स है उसके साथ में। यहाँ पर मैंने दोनों को ही कंपेयर करके देखा, तो मैंने देखा वन प्लस नॉर्ड की जो बैटरी है वो 84% थी, और लगभग यहाँ पर 11.5 घंटे के बावजूद यूज होने के, जो कि पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड पर मेरा डिवाइस था, वो पूरी तरह से यहाँ पर 14% बैटरी ड्रेन किया, और जबकि वन प्लस 9 डिवाइस यहाँ पर 16% बैटरी ड्रेन किया, 2% एक्स्ट्रा ड्रेन किया, क्योंकि वो डिवाइस नया भी है। और मैं अगर कंपेयर करूँ इन दोनों का ये क्या कारण रहा है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ दोनों ही डिवाइस में थोड़ा सा डिफरेंस है एओडी में ब्राइटनेस का, वन प्लस 9 की ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है वन प्लस नॉर्ड के कंपेरिजन में, तो शायद इसी कारण से वन प्लस 9 की बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा ड्रेन हो रही है। आप लोगों को इनमें से क्या कुछ सही लगा उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। आप अपने तरीके से देख लीजिए आपको अपडेट करना है या फिर नहीं,
और उसके बारे में कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।